देखिएगा बच्चों, हमारे पास में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में हमने ना एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। अब हमने क्या बनाना है सर? एडजस्टेड कैश बुक। अब सर ये क्या होता है? अब होता दरअसल ये है एडजस्टेड कैश बुक के क्वेश्चन के अंदर कि हम लोग पासबुक को सही मानते हैं, ठीक है जी, पासबुक को सही मानते हैं और चेंजेस करते हैं सर कैश बुक के अंदर। ओके, चेंजेस करते हैं कैश बुक के अंदर। अब सुनो ध्यान से, जब मुझे ये मालूम हो कि मैं ही गलत हूं तो पहले दूसरे को गलत कहने से पहले या दूसरों के अकॉर्डिंगली गलतियों को सुधारने से पहले मैं खुद को सुधार लेता हूं। यानी कि मुझे मालूम है सामने वाले के अंदर भी कमियां हैं और मेरे अंदर भी कमियां हैं, यानी कि पासबुक के अंदर भी कमी है और कैश बुक के अंदर भी कमी है। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं कैश बुक के अंदर जितने भी चेंजेस होने, कैश बुक से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं उसको ठीक कर लेता हूं। कहां पे? एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर उसको मैं चेंज कर लेता हूं और बाद में जो पासबुक के हिसाब से करना होता है उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस कर लेता हूं। यानी कि मेरे पास में दो तरह के चेंजेस होते हैं ना कैश बुक के अंदर करने के लिए, कि एक तो वो गलतियां जो कैश बुक की हैं उससे चेंजेस आएंगे और जो पासबुक है उसकी वजह से भी चेंजेस आएंगे क्योंकि उसको हम सही मान रहे हैं। तो पासबुक के चेंजेस को हम, सारे पासबुक के चेंजेस को हम कहां लिखेंगे सर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। और एडजस्टेड कैश बुक क्यों बना रहे हैं? कैश बुक की कमियों को हल करने के लिए। यानी कि आज तक हम क्या करते थे? आज तक हम सारी की सारी चीजों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करते थे, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे? अब की बार हम ऐसा एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे, यानी कि इस तरीके से कैश बुक बनाएंगे और ये कैश बुक के अंदर हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारी कैश बुक है, ये हमारा डेबिट कॉलम और ये हमारा क्रेडिट कॉलम, ठीक है जी, और ये हमारे दो अमाउंट के कॉलम, ये दो अमाउंट के कॉलम। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक कैश बुक बनाएंगे हम? हाँ बिल्कुल, ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, और ये अमाउंट का जो कॉलम है पता है कौन से वाला है? ये बैंक कॉलम, याद रखना इस चीज को हमेशा, ठीक। ये इस तरीके से हमारे पास में होता है। तो इसके अंदर क्या रिकॉर्ड करना है हमने? वो चीजें जिससे, जो कि कैश बुक की गलतियां हैं। गलतियां तो सारी ही हैं, लेकिन जो कोर कैश बुक की है। अब सर इसको पहचानेंगे कैसे? ये देखो मैं दिखाता हूं कैसे पहचानेंगे। आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन विजिबल है सब लोगों को, देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 30th of September 2021 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंड ऑफ 8067 एंड एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिवील दैट फॉलोइंग। अब इसका मतलब ये कौन सा केस है सर? ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, कितने का? 8062 को। तो सर फिर मैं क्या करूंगा सर, जो मेरी कैश बुक है उसके अंदर क्रेडिट साइड पे इसको लिख दूंगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा सर? बाय बैलेंस बीडी। ओके, कितना? 8062, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का केस है ना, ओवरड्राफ्ट का केस है, तो सर ये नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, ठीक है सर। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ए चेक फॉर रुपीस 11,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th of September 2021 वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3rd of October 2021। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि ये किसकी गलती है?
मुझे आप लोग बोल करके बताओगे क्या मन कहता है आपका, ये किसकी गलती है भाई? कैश बुक ने तो टाइमली जमा करा दिया था, कैश बुक ने तो टाइमली इसको जमा करा दिया था, कैश बुक इससे ज्यादा कर भी क्या सकती थी, यानी कि बिजनेस इससे ज्यादा कर भी क्या सकता था, ठीक है जी। लेकिन बैंक ने इसको जो है कंसीडर नहीं किया तीन तारीख तक। तो सर फिर ये किसके हिसाब से, मतलब चेंजेस तो आने कैश बुक के अंदर, लेकिन ये बैंक के तरफ से एक गलती है, ये बैंक की तरफ से गलती है जिसको कि हम गलती नहीं मान रहे, हम अपने अंदर ही चेंज करेंगे, उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन है तो ये बैंक साइड का ना। तो हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहां लिखेंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। अभी हम पहले यही देखेंगे कि इसको ट्रांजेक्शन को लिखना कहां है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में लिखेंगे इस चीज को। ये पॉइंट क्लियर है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी से बता दो। यस सर। एक ही ऐसा आया मेरे पास? यस सर। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है ए पेमेंट बाय चेक फॉर ₹18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अब ये किसकी गलती है भाई, ये किसकी गलती है? ये तो कैश बुक की गलती है, ये तो कैश बुक की गलती है। तो ये कहां पे आना चाहिए सर? ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आना चाहिए। देखिए जरा चैट में क्या लिखा है। अच्छा, शालिनी जी कह रही है एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ, मैं दोबारा बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना शालिनी, जहां समझ नहीं आएगा दोबारा से पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से सुनो। देखो मैं इस सारे के सारे पॉइंट को क्या नाम है यहां से दोबारा से समझाता हूं। इसको मैंने यहां से जो है वो हटा दिया। एक सेकंड, इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग। देखो शालिनी जी, एक बात तो तय है कि जो कैश बुक है ना उसके अंदर चेंजेस होना। शालिनी जी, आप हैं कैश बुक और मैं हूं पासबुक, ये शालिनी जी और ये डीटी सर, ठीक है जी, कैश बुक और पासबुक। अब जब हम दोनों का झगड़ा होता है ना आपस में, शालिनी जी आपका और मेरा जब झगड़ा होता है ना, तो कुछ गलतियां आपकी होती हैं और कुछ गलतियां मेरी होती हैं, ठीक है सर। लेकिन अब ये तय कर लिया गया कि जो शालिनी है वही गलत है, और चेंजेस किसके अंदर आएंगे? शालिनी के अंदर आएंगे, यानी कि कैश बुक के अंदर आएंगे, और पासबुक जो है वो सही है। तो आप यहां से जा रहे हो, घर से निकल रहे हो बैंक जाने के लिए, पासबुक पे के पास जाने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने खुद की गलतियों का सुधार करने के लिए पहले एक स्टेटमेंट बना ली। बोले सर कैश बुक गलत है और पासबुक सही है, ये तो पता है, लेकिन जो गलतियां कैश बुक की हैं उनको हम कहां सुधार लेंगे? एडजस्टेड कैश बुक के अंदर सुधार लेंगे। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एडजस्टेड कैश बुक के अंदर वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो कि कैश बुक से रिलेटेड थी और उसके अंदर कैश बुक के अकॉर्डिंगली चेंज आना चाहिए था। पासबुक की सारी गलतियों को हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर बनाएंगे, ठीक है जी, ओके। ये बात समझ में आई शालिनी जी, बताइए। Yes, तो कैश बुक की जितनी भी गलतियां हैं वो सारी की सारी गलतियां कहां पे एडजस्ट होंगी? एडजस्टेड कैश बुक के अंदर होंगी। यानी कि मैं कुछ यूं कह सकता हूं
कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हम अपनी कैशबुक का एक एडजस्टेड कैशबुक बना लेते हैं, यानी कि फर्दर एक कैशबुक बना लेते हैं, और फिर उससे जो बैलेंस आएगा वो हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ले करके जाएंगे। ठीक है जी, अब एक बार फिर से ध्यान देना जरा इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पे पहले पॉइंट के अंदर क्या हुआ था शालिनी जी, यहाँ हुआ था कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिए थे। अब एक बात बताओ, आपने मुझे फीस दी और मैंने उसको अपनी कैशबुक के अंदर रिकॉर्ड किया और जाकर के बैंक में चेक को सबमिट कर दिया, उस फी वाले चेक को मैंने बैंक में जाके सबमिट कर दिया, तो मेरी कहां गलती है? सोच करके देखो, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये तो बैंक ने ही इसको जो है रिकॉर्ड नहीं किया वेल ऑन टाइम। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, हाँ ठीक है, चेंजेस चाहे मेरे अंदर हो, चेंजेस चाहे मेरे अंदर हो यानी कि कैशबुक के अंदर चाहे चेंजेस हो, लेकिन ये फॉल्ट तो सर बैंक का था ना, उसको सेम डे पे डिपॉजिट कर देना चाहिए था ना, है ना? तो सर हम इसको कहां पे रिकंसाइल करेंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन बी पॉइंट के अंदर देखो, एक चेक को कैशबुक में दो बारी लिख दिया गया, तो ये किसकी गलती है? हमारे कैशियर की गलती है। तो हम इसको कहां पे रिकंसाइल, हम इसको रेक्टिफाई कहां कर लेंगे? बाहर जाने से पहले, यानी कि बैंक में जाने से पहले घर में ही, यानी कि एडजस्टेड कैशबुक में ही इसको रिकंसाइल कर लेंगे। अच्छा सर, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते। ऑन 29 सितंबर 2021 द बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 115,400 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स वाई जेड, रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स वाई जेड, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स वाई जेड अंटिल 1 अक्टूबर 2021। बताइए जी, ये 115,400 का हमारे पास में एक चेक था, इसकी हिंदी अनुवाद कर ले, और उसने क्या किया, हमारे कस्टमर ने जाकर के डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसको डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमें बताया ही नहीं एक्स वाई जेड ने कि भाई मैंने तो आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। तो ये हमारे कस्टमर की गलती थी, इसका मतलब हमारी गलती थी, बैंक की गलती नहीं थी। तो इसको मैं कहां पे रिकंसाइल करूंगा? सर एडजस्टेड कैशबुक के अंदर मैं इसे पहले ठीक करूंगा। अच्छा सर, मतलब ये नहीं सोचना अभी कि इसका इफेक्ट क्या होगा, अभी तो ये सोचना है हमने कि हम कहां पे इसको क्या नाम है लेकर के जाए। हाँ जी नेहा नागपाल जी, पूछिए क्या पूछनी है। सर इसमें बैंक एक्स वाई जेड की गलती क्यों हुई? तो बैंक ने इसे इंटीमेट नहीं करा ना कि उसके ना। यही तो आपने ठीक से पढ़ा नहीं, हमेशा जो होता है ना वही आपने सोच लिया। एक बारी फिर से पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ऑन 29 सितंबर 2021 बैंक क्रेडिट द अमाउंट ऑफ 115,400 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एक्स वाई जेड बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड By XYZ until 1st October 2021। देखो बेटा, आप पता क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि मोबाइल में ट्रांजेक्शन आ जानी चाहिए थी, यहाँ पे मोबाइल का काम ही नहीं है सर। बैंक सर कभी भी बताने नहीं आता, बैंक को आपने चेक दिया, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अब चाहे आपने या आपके बिहाफ पे कोई और आकर के दे। इसका मतलब बैंक क्या समझता है, जो चेक आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी आपको नॉलेज है, चाहे वो आप कर रहे हैं खुद, चाहे वो आपके बिहाफ पे आपका कस्टमर कर रहा है, क्योंकि बैंक की इसमें कोई गलती नहीं है। आप जाते हो, सोचो नेहा जी, मैंने आपको अपने बिहाफ पे भेजा कि मेरे अकाउंट के अंदर चेक डिपॉजिट करवा देना, अब बैंक को तो यही लगेगा ना कि भाई दिवाकर सर के घर से कोई आया है चेक डिपॉजिट करने, तो दिवाकर सर को तो इसकी नॉलेज होगी, इसमें बैंक की गलती नहीं है। ये मत सोचो कि भाई बैंक को इंटीमेट करना चाहिए था हमें, वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन उससे पहले किसको, अगर ये सही से होती ट्रांजेक्शन, अगर ये ट्रांजेक्शन सही से होती तो कस्टमर पहले क्या करता, कस्टमर पहले मुझे देता, मैं आगे जा करके बैंक में देता। यहां पे सही तरीके से ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ये कस्टमर की गलती है, और सर कस्टमर की गलती तो हमारी गलती है, बैंक की गलती नहीं है। मेरी बात समझ में आई नेहा जी आपको?
यस सर। हाँ जी, तो इसलिए ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आएगा। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹280 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था बैंक चार्जेस। अब देखो आमतौर पे क्या करता है बैंक, अपने चार्जेस लेता है, आप कोई भी उससे डीलिंग करेंगे तो वो आपके ऊपर ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। और जब आपने खुद एडमिट किया है ऊपर कि 8062 का हमारा ओवरड्राफ्ट था, तो आपको पता लगाना चाहिए था, आपको पता लगाना चाहिए था कि 8062 के ऊपर आपका कुछ इंटरेस्ट भी बनेगा। तो आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए था क्योंकि ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगे ये तो लाजमी है, ये तो होगा ही होगा। तो इसमें किसकी गलती है सर, इसमें कैश बुक की गलती है। तो इसको हम कहां करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ठीक करेंगे। अच्छा सर आगे चलते हैं। हाँ अगर इस क्वेश्चन इस पॉइंट में ये नहीं लिखा होता ना कि ऊपर ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो शायद ये बैंक की गलती होती कि उसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया और हमारे को इंटीमेट नहीं किया। लेकिन ऊपर आपने खुद एडमिट किया कि आपका ओवरड्राफ्ट चल रहा है और फिर आप कह रहे हो कि हम ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक चार्जेस लिखना भूल गए या इंटरेस्ट चार्जेस लिखना भूल गए, ये गलत है। अच्छा जी आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन 6 सितंबर 2021 द बैंक क्रेडिटेड ₹30,000 टू एक्स वाई जेड इन एरर। बोलो सर, बोलो बोलो बताओ सर ये क्या होना चाहिए, कहां आना चाहिए, आप अपनी राय दीजिए। यहां पे देखो लिखा ही हुआ है ना, 6 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से एक्स वाई। अब तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गलती किसकी है, सर बैंक की है। तो कहां पे इसकी रेक्टिफिकेशन होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के है। अच्छा जी एफ पॉइंट पढ़ते हैं, ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,60,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स वाई जेड विद हिज बैंक। ठीक है जी, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर 2021 बट नॉट नो एंट्री वॉज मेड। बताओ सर ये क्या हुआ, 1,60,000 की रिकंसिलेशन कहां पे होनी चाहिए और किसकी गलती है, बोलो सर क्या कहता है आपका मन। आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज सबमिट करवाया है, सुन रहे हो मेरी बात, आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज सबमिट करवाया है, क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पे ये पता कर लें कि आपको वो पैसा जो है मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, क्या ये ड्यूटी नहीं बनती थी। बिल्कुल बनती थी सर, आपका जो वो था, आपका जो बिल डिसऑनर हुआ था उसकी इंटीमेशन बैंक आपको हमेशा देता है पासबुक के अंदर, बैंक हमेशा पासबुक के अंदर एंट्री देता है और सर 3 दिन के अंदर ही दे देता है। कैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल के थ्रू आपको जवाब आएगा, कैसे इंटीमेशन दे देता है पासबुक के थ्रू, सीधी सी बात है सर, सीधी सी बात है कि आपने मेरे को चेक दिया, मैंने वहां पे चेक जमा कराया। अब अंदर से ये लगता रहता है ना मैंने चेक जमा कराया, मेरा बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन आपने इस चीज को कंसीडर ही नहीं किया, आपने तो अपने बैलेंस को बढ़ा करके छोड़ दिया, यानी कि अपने ओवरड्राफ्ट को कम करके छोड़ दिया, और आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी ही नहीं कि आप पता करें कि भाई वहां पे वो चेक चला या बाउंस हो गया। क्योंकि सर बैंक का काम सिर्फ इतना सा था कि अगर वो चेक ठीक होता तो उसको ओके करके आगे भेज देते, और अगर वो चेक ठीक नहीं है तो वो इसकी एंट्री पासबुक के अंदर कर देते। तो इसलिए सर हम इसकी रेक्टिफिकेशन कहां करते हैं, इसकी रेक्टिफिकेशन भी हम एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ही करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में चेक्स इश्यूड अप टू 30 सितंबर 2021 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट टोटल टू अमाउंट 13,46,000। हमने चेक इशू किए थे, अब जरा मेरे को एक बात बताना ये क्या हुआ। यहाँ पे हुआ ये कि हमारे पास में जो है चेक हमने इशू कर दिए थे और उसको हमारे कस्टमर ने जो है वो प्रेजेंट नहीं किया था पेमेंट के लिए,
ठीक है जी, कितने के लिए? 13,46,000 रुपए के लिए, 13,46,000 रुपए के लिए। जब हम चेक इशू कर देते हैं, हमारे हिसाब से हमने एंट्री कर दी कि हमारा बैलेंस कम हो गया, और जैसा कि ये ओवरड्राफ्ट का केस है तो हम क्या एंट्री बना लेते हैं कि हाँ जी हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, है ना। तो अब बताओ ये किसकी, ये किसकी गलती है, बैंक की या हमारी? क्या हमें, क्या हमें अपने कस्टमर से ये पता करना चाहिए था कि भाई आपने पैसे निकलवा लिए या नहीं निकलवाए, या फिर ये मान करके अपनी कैश बुक को सही मान लेना चाहिए था कि हमने तो चेक इशू कर दिया है, बैंक इसकी पेमेंट कर ही देगा? बोलिए सर, जी पॉइंट को बताइए, जी पॉइंट के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आना चाहिए, क्योंकि सर जब हम चेक इशू कर देते हैं ना, जब हम चेक इशू कर देते हैं तो हमारा, देखो यहाँ पे ना दोनों चीजों को मैच मत करना आपस में, कि सर जब आप चेक ले रहे हो और डिपॉजिट कर रहे हो तब तो आपको पता करने की जरूरत है, और जब आप इशू कर रहे हो तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है। ये बेटा संसार का नियम है कि जिसके हाथ में पैसे चले जाते हैं ना, जिसके हाथ में पैसे चले जाते हैं ना, वो पेमेंट ले ही लेगा, यानी कि पेमेंट लेने वाला जो है वो पैसे को कभी छोड़ता नहीं है। और अगर यहाँ पे गलती से छोड़ दिया गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया, तो हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ही, क्या नाम है, अपने पास में क्या बोला अभी आपने, किसी पर्सन ने बोला था ना एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, तो हम इसको कहां पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ही एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्टेड कैश बुक के अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सर जब हमने चेक इशू किए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रीजन को, जब हमने चेक इशू किए हैं तो हमारा काम सिर्फ चेक इशू करना था। हाँ अगर हमने कोई चेक डिपॉजिट किए होते तो हमारा ये काम होता कि हम पता करते कि वो चेक चले या नहीं चले, लेकिन हमारा चेक नहीं चलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे चेक जो है वो बैंक में ना चले। तो सर यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि बैंक की गलती है, गलती हमारे कस्टमर की ही है जिसने प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन दो चीजों को ध्यान रखना, जब कस्टमर मुझे चेक देता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसे पासबुक के अंदर चेक करूं कि वो क्रेडिट हुआ या डिसऑनर हुआ, लेकिन जब मैं चेक इशू करता हूं, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, मेरे कस्टमर की नहीं ले सकता, तो जब मैं चेक इशू करता हूं तो ये बात पक्की है कि मेरे पास में पैसे हैं या फिर इतनी क्रेडिट लिमिट है कि आपका वो चेक चल जाए, आपका वो चेक चल जाए, इसलिए मैं इसकी एडजस्टमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर करता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने चेक इशू किए मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। A bill payable of rupees 2 lakh had been paid by bank but was not entered in cash book. एक बिल पेबल था, अब यहां पे दिखाई दे रहा है, हमने एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया 2 लाख रुपए का, या फिर यूं कह लो कि हमने चेक इशू कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं कि चेक इशू कर दिया, वैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है, लेकिन बावजूद इसके मैं क्या कह रहा हूं, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि हमने चेक इशू कर दिया या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अराइज हो गई, तो क्या हमारे को इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था अपनी कैश बुक के अंदर? बिल्कुल करना चाहिए था सर, जैसे ही मैं चेक इशू करूंगा तो मैं इसको अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो ये किसकी गलती है? ये सर कैश बुक की गलती है, तो इसको कहां रेक्टिफाई किया जाएगा? सर एडजस्टेड कैश बुक के अंदर किया जाएगा। अच्छा आगे लिखा हुआ है, एंड बिल्स रिसीवेबल 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद बैंक एट कॉस्ट ऑफ 1,000 रुपए व्हिच हैज आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो हुआ क्या, बिल्स पेबल की कहानी तो हो गई पूरी, बिल्स रिसीवेबल की कहानी भी सुन लो, बिल्स रिसीवेबल की कहानी भी सुन लो। बिल्स रिसीवेबल की कहानी ये थी कि मेरे को किसी ने बीआर दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है जी, और मैंने उसको बैंक में डिस्काउंट करवा लिया, और डिस्काउंट चार्जेस कितने थे सर? 1,000 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस थे,
यानी कि मेरे हाथ में पैसा कितना आया होगा, मेरे हाथ में पैसा आया होगा सर 59,000, लेकिन इसकी भी एंट्री मैंने कैश बुक के अंदर नहीं की, तो ये किसकी गलती है? सर ये मेरी ही गलती है, तो इसलिए मैं इसको कहां करूंगा, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर करूंगा। और कितना अमाउंट, 59,000 रुपीज का अमाउंट एडजस्ट करूंगा। वो प्लस होगा, माइनस होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक सर, नेक्स्ट पॉइंट में आई पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए चेक फॉर रुपीज 70,000 हैज बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30 सितंबर 2021 बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन कैश बुक। बोलो क्या कहता है आपका मन, कहां पे आना चाहिए 70,000 रुपए की एंट्री को? सर साफ साफ लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड अपीयर्ड इन कैश बुक, तो ये किसकी गलती है? सर कैश बुक की गलती है, तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। आगे लिखा हुआ है डिविडेंड ऑफ रुपीज 1,80,000 पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, इसको तो हमने अभी अभी डायरेक्ट पेमेंट्स बाय कस्टमर या डायरेक्ट पेमेंट बाय कंपनी, इस इनकम को तो हमने किया था ना कि अगर ठीक तरीके से होता तो पहले ये डिविडेंड मेरे हाथ में आता और फिर मैं उसको आगे पे करता, तो ये भी कहां आना चाहिए? सर एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ही होना चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जाकर के बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट कर दिए हो। ठीक है, के पार्ट में क्या बोला हुआ है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक। लो जी बात आगे पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर ऑन अगस्त 2021। अब सर यहाँ पे किसकी गलती है, यहाँ पे 10,000 रुपए जो है, 10,000 रुपए हमने किसी को पे कर दिए, हमने 10,000 रुपए किसी को पे करने के लिए बोला, पे कर दिए नहीं, पे करने के लिए बोला, और उस चीज का हमने क्या नाम है रिकॉर्ड ही नहीं रखा। अच्छा यहाँ पे ना अगस्त 2021 दी हुई है, जरा डेट चेक कर लो कब तक है, हाँ 30 सितंबर तक की है ना, तो इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे सर, इसको हम एडजस्ट करेंगे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, क्योंकि यहाँ ओपनली लिखा हुआ है नो एंट्री मेड इन कैश बुक, तो किसकी गलती है, कैश बुक की ही गलती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या बोला गया, ए चेक फॉर रुपीज 27,000 ड्रॉन बाय एबीसी has been charged to XYZ bank account by mistake in September 2021। बोलो जी क्या कहता है आपका मन, किसकी गलती है ये? अरे बैंक ने किसी और के अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन करनी थी और हमारे अकाउंट के अंदर कर दी बाय मिस्टेक, लिखा भी हुआ है बाय मिस्टेक बैंक ने ऐसा कर दिया, तो सर ये कहां पे होगा? सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर ये रेक्टिफाई किया जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है हाँ जी बच्चों, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसका आंसर लिखना है और हमें ये चेक करना है कि भाई इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कैश बुक जो है उसके अंदर चेंजेस होने हैं और पासबुक के अंदर जो अमाउंट्स है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैश बुक के अंदर चेंजेस करने हैं। ठीक है, और उससे पहले हमें एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है, तो सबसे ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 8062, जिसको हमने शुरुआत में कहां लिख दिया था, एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिख दिया था, क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है जी, अनफेवरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है चेक ऑफ 11,14,000 रुपए डिपॉजिट किया था हमने 29 सितंबर को, लेकिन बैंक ने इसे क्रेडिट किया कब, थर्ड अक्टूबर 2021 को। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे ये जो 11,14,000 रुपए के लिए है, ये चेंजेस कहाँ आने हैं, जैसे कि हमने बोल ही दिया था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर, अब इसके अंदर जो है क्या किस तरीके से चेंजेस आएंगे कि सर 11,14,000 रुपए हमने डिपॉजिट करवाए थे, तो सोचो मेरा ओवरड्राफ्ट जो है वो रिकवर हो गया होगा ना, 8062 का ओवरड्राफ्ट था सिर्फ और मैंने 11 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए, है ना, तो इससे मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, तो मैं क्या कर दूंगा सर, बोलो सर जल्दी से बताओ, अब ये तो तुम्हें आता है ना,
सरप्लस साइड रिकॉर्ड करेंगे सर, एड इन ओवरड्राफ्ट करेंगे ना, कहां करेंगे इसको, लेस इन ओवरड्राफ्ट। लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट लिखा ना उसी के हिसाब से करेंगे, लेस इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, यानी कि हम कहां लिख देंगे, एड कॉलम पे लिख देंगे। ओके सर, अगला लिखा हुआ है पेमेंट बाय चेक ऑफ रुपीज 18,000 हैज एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। तो एक बारी हमें क्या नाम है लिखना था, हमने दो बार लिख दिया 18,000 रुपए का, ठीक है जी। तो अब इससे हुआ क्या होगा, इससे हुआ होगा सर हमने पेमेंट की थी ना, हमने पेमेंट की थी चेक से, तो हमारा ओवरड्राफ्ट दो बार बढ़ गया होगा, जबकि हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसको एक बार कम करना पड़ेगा। एक बार कम करेंगे ओवरड्राफ्ट को, तो इसको कहां लिख देंगे सर, डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 18,000, क्योंकि हमने 18 की जगह कितना लिख दिया, 36,000 लिख दिया, 36,000 रुपए से ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया था, तो अब ओवरड्राफ्ट को कम करना है, तो डेबिट साइड पे 18,000 रुपए को लिखना पड़ेगा। और ये चेंजेस किसके अंदर आएंगे, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आएंगे, ठीक है जी। तो इसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने एडजस्टेड कैश बुक के अंदर करना है, तो उसको हमने नीचे जाकर के लिख दिया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 29 सितंबर 2021 बैंक ने क्रेडिट किया था कितना, बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट 115,400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, किसी ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था। अच्छा, किसी ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था, और इसको हमने कहां चेंज करना है सर, जैसा कि हमने लिखा था एडजस्टेड कैश बुक के अंदर करना है, तो इससे हुआ क्या होगा सर, इससे मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा। अच्छा, अगर ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है तो कहां लिख देता हूं सर, डेबिट साइड पे लिख देता हूं। कितना अमाउंट था वहां पे, 115,000 या 115,400, कुछ ऐसा ही था, 115,400 ही था शायद, 115,400, हाँ सही है मेरी याददाश्त, ठीक है। एडजस्टेड कैशबुक के अंदर हमने चेंजेस कर दिए, उसके अंदर बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹280। अब इससे क्या होगा सर, मेरा ओवरड्राफ्ट जो है बढ़ गया होगा बैंक के अंदर। हमें ना ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, ये मत सोच लेना, अब बच्चे यहाँ पे ना कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि सर बार बार ओवरड्राफ्ट क्यों कह रहे हैं, ओवरड्राफ्ट तो सिर्फ 6,000 या 8,000 का था समथिंग, उसके बाद तो हमने 11,00,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो ये पॉजिटिव आ गया होगा। अरे नहीं, हमें ओवरड्राफ्ट जो ओपनिंग बैलेंस है ना उसी के हिसाब से एंट्रीज करनी होती है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस 280 के लगने से क्या होगा सर, हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा सर, कैश बुक के अंदर आना है, ये एडजस्टेड कैश बुक की गलती थी ना ये, तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, हमें भी अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से था, 280 रुपीज से था, 280 रुपीज से मैंने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, ई पॉइंट, ऑन 6 सितंबर 2021 बैंक ने क्रेडिट किए 30,000 रुपए गलती से उसने क्रेडिट कर दिए हमारे अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। लेकिन अब ये किसकी गलती है, ये सर बैंक की गलती है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर इसके होंगे एडजस्टमेंट। अब होगा क्या सर, बैंक ने अकाउंट क्रेडिट कर दिया है हमारा, यानी कि उन्होंने हमारा ओवरड्राफ्ट कम कर दिया, अब हमने उसको बड़ा भाई मान करके रखा हुआ है, बड़ा भाई मान करके रखा हुआ है, तो जैसा उसने किया है वैसा हम भी कर देंगे, तो सर हम क्या लिख देंगे बीआरएस के अंदर, लेस इन ओवरड्राफ्ट, और लेस इन ओवरड्राफ्ट कहां आता है सर, एड वाले कॉलम में आता है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,60,000 डिस्काउंट किया गया था इन हिज बैंक, और ये बाद में डिसऑनर हो गया, ये भी एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आना, हमने इसको डिस्कस किया था, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आना, और सर इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा ओवरड्राफ्ट वापस से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने सोचा था कि ये चेक चल जाएगा, और हमने इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया होगा कि भाई अगर ये चेक चल गया तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, लेकिन बैंक में तो ये चेक चला ही नहीं, और बैंक में ये चेक चला नहीं
तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वापस से अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देना पड़ेगा। और ओवरड्राफ्ट को बढ़ाने के लिए एडजस्टेड कैश बुक में मैं इसकी एंट्री कहाँ कर दूंगा सर, क्रेडिट साइड पे कर दूंगा। कितने का था सर, 1,60,000 रुपीज का था। तो ये मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक सर, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है चेक्स इशूड अप टू 30 सितंबर 2021, लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए 13,46,000 रुपए के लिए। सर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब मैं इशू करता हूं तो वो डिपॉजिट से अलग केस होता है, यानी कि हम डिपॉजिट वाले रूल जो है इशू के टाइम पे नहीं लगा सकते। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हम सोचते हैं कि सर पैसा जो है उसने अकाउंट से निकाल लिया होगा, तो इसलिए इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए सर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। अच्छा सुनो, अगर इसने मेरा मेरे से पैसा निकालना चाहिए था और पैसा नहीं निकाला, तो मैंने अपनी कैशबुक के अंदर क्या किया होगा, मैंने अपनी कैशबुक के अंदर 13,46,000 रुपए से अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा लिया होगा, अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा लिया होगा। लेकिन इसने जो वहां पे प्रेजेंट नहीं किया तो भाई वहां तो ओवरड्राफ्ट बढ़ा नहीं, तो भाई यहाँ पे सही कौन है, यहाँ पे पासबुक सही है, तो मैं अपने ओवरड्राफ्ट को वापस से घटा लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा जी, मैं लिखूंगा लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, लेस इन ओवरड्राफ्ट। और ये कहां पे आ जाता है सर, प्लस साइड पे आ जाता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर इसकी एंट्री की जाएगी 13,46,000 रुपए की। ठीक है, अब देखो जो लोग 11,14,000 रुपए को पॉजिटिव बैलेंस मान रहे थे, अब यहाँ पे 13,46,000 रुपए के चेक इशू कर दिए ना, तो देखो बड़ी बड़ी फिगर्स दोबारा से आ गई। ठीक है सर, अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ए बिल पेबल, ए बिल्स पेबल ऑफ ₹2,00,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक, ठीक है जी, बट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब ये एडजस्टेड कैश बुक की एंट्री है, बिल्स पेबल थे, बैंक ने उसको एंटर कर लिया, यानी कि पेमेंट हो गई, एक तरीके से पेमेंट हो गई, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, हम भी ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएंगे अपनी एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, कितने रुपए से सर, 2,00,000 रुपए से। अगर 2,00,000 रुपए से मैं ओवरड्राफ्ट को बढ़ाऊंगा एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, ये कहां पे आएगी एंट्री, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आएगी, 2,00,000 रुपए की एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो 2,00,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट बढ़ा दो, तो मैंने 2,00,000 रुपए कहाँ लिख देने हैं, यहाँ लिख देने हैं क्रेडिट साइड पे, बढ़ गए मेरे ओवरड्राफ्ट 2,00,000 रुपए से। ठीक सर, अब उसी का एक पार्ट और रह गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक बिल रिसीवेबल था 60,000 रुपए का, जिसको कि डिस्काउंट कराया था 1,000 रुपए के लिए, इसको भी हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करेंगे कितने से, 59,000 से। अच्छा, कोई बिल्स रिसीवेबल हमारे पास में था, तो उसको अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, यानी कि 59,000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा तो ये कहां आ जाएगा सर, प्लस साइड पे आ जाएगा, तो 59,000 जो है मैं प्लस साइड पे लिख दूंगा। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, आई पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है ए चेक ऑफ ₹70,000 हैज बीन डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड प्रायर टू 30 सितंबर 2021, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड कैश बुक के अंदर नहीं रखा गया। लिखा ही हुआ है कि कोई रिकॉर्ड कैश बुक के अंदर नहीं रखा गया, अगर सर डिसऑनर होता है तो उससे क्या हो जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी, डिसऑनर होता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाता है। और ये कहां पे होगा सर, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर होगा, इंक्रीज कर देंगे अपने ओवरड्राफ्ट को, ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज करूंगा तो कहां लिख दूंगा मैं, 70,000 रुपीज क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा एडजस्टेड कैश बुक की। ठीक सर, जे पार्ट, ए डिविडेंड, ये डायरेक्टली पेमेंट बाय कस्टमर की तरह ही है, डायरेक्टली पेमेंट बाय कस्टमर की तरह ही है, और जैसा इसके उसके साथ वहां पे हुआ था वैसा ही यहाँ पे होगा। तो सर अगर 1,80,000 रुपए का जो हमारे पास में
अमाउंट है वो अगर डिपॉजिट हो जाता, ठीक है, अगर उसको मैं बैंक के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेता तो मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता सर, कम हो जाता। इसको हमने कहाँ करना है, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर करना है, क्योंकि हमने इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया था, ऐसा लिखा हुआ है। डायरेक्टली कंपनी ने पैसा डिपॉजिट कर दिया और मुझे बताया नहीं, तो ये गलती मेरी है। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर इसको लिखना चाहिए था, कैशियर की गलती है। तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर अगर मैं बैंक की तरह से 1,80,000 रुपए डिपॉजिट कर देता तो मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो जाता। ओवरड्राफ्ट कम हो जाता तो कहाँ लिख दिया जाता सर, इसको मैं डेबिट साइड पे लिख देता, 1,80,000 रुपए। अच्छा सर, आगे चलते हैं। नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 वाइड बैंकर ऑर्डर इन अगस्त 2021। इन अगस्त 2021, एक सेकेंड ठहरना, हम स्टेटमेंट, मैंने पीछे भी इसको चेक किया था, रिवील दैट फॉलोइंग ऑन 30 सितंबर वाज ओवरड्रॉन बाय इतना, और हमारे पास में लिखा हुआ है 30 सितंबर तक की हमने बनानी है। तो मैं पता है क्या मान करके काम कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ सितंबर के महीने की रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना सिर्फ सितंबर के महीने की रेक्टिफिकेशन करो तो ये वाली एंट्री को हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होता। हम क्या मान रहे हैं, हम सर क्या मान रहे हैं कि हमारे पास में सितंबर तक की, यानी कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक की एंट्रीज, क्योंकि देखो फर्स्ट एंट्री में भी तो हमने कंसीडर किया ही है ना सितंबर के महीने को। तो सर हम क्या कहते हैं, हम ये मान करके काम कर रहे हैं, हम ये मान करके काम कर रहे हैं कि हमारे पास में, हम ये मान करके काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ सितंबर के महीने की रिकंसिलेशन नहीं बना रहे, हम अप्रैल से लेकर के सितंबर तक की रिकंसिलेशन बना रहे हैं। अदरवाइज हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। अगर हम सिर्फ सितंबर के लिए कर रहे होंगे ना तो इस पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे, अगर हम सिर्फ सितंबर के महीने की, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सी वाली है, ये हमारे पास में अगस्त 2021 की एंट्री है। तो मैं क्या मान करके काम कर रहा हूं कि अगर दो चीजें, दो अप्रोच है, आप क्या मान करके काम करते हैं कि सर अगर अप्रैल से सितंबर तक की रिकंसिलेशन बना रहे हैं तो इस एंट्री को कंसीडर करो, अगर सिर्फ सितंबर की एंट्री बना रहे हैं, सितंबर की एंट्रीज ही बना रहे हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये अगस्त की एंट्री है। अच्छा जी, चलिए अब मैं इसको इग्नोर करना तो बहुत आसान है, लेकिन देखना हम इसके अंदर क्या करते हैं वो हमें क्या नाम है देखना पड़ेगा कि सर यहाँ लिखा हुआ है 31 अगस्त के महीने में हमने कोई सब्सक्रिप्शन पे की थी और हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी किसको, अपने बैंक को, और बैंक ने हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करते थे उसी हिसाब से उन्होंने हमारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको पे कर दिया। अब सर पे कर दिया तो क्या हुआ होगा, सर पे कर दिया तो हमारे पास में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, तो अब हम भी क्या करेंगे, अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को एडजस्टेड कैश बुक के अंदर बढ़ा देंगे। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर हम ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा सर, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कितना, 10,000 रुपए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे कर दी, ठीक है जी। अच्छा आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, ए चेक ऑफ ₹27,000 ड्रॉन बाय एबीसी हैज बीन चार्ज बाय बैंक एक्स वाई जेड बाय मिस्टेक, ठीक है जी। तो ये किसकी कम गलती है सर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर इसकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। इससे हुआ क्या होगा, इससे हुआ ये होगा कि सर 27,000 रुपए से हमारा जो वो है ना, हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट बढ़ गया होगा। तो हम क्या करेंगे सर, हमने बड़ा भाई माना हुआ है उसको, हम भी उसकी गलतियों में उसका साथ देंगे, तो हम क्या कर देंगे, एड इन ओवरड्राफ्ट, और एड इन ओवरड्राफ्ट को हम कहां लिखते हैं सर, लेस साइड पे लिखते हैं, ठीक है सर। ये सारी की सारी चीजें हमने ऐसे रिकॉर्ड करनी। अब हमने क्या बनाया है सर, ये एडजस्टेड कैश बुक बनाया, इसके डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करो, देखो हमारे पास में क्या बैलेंस आ जाएगा, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, ये बना हुआ है, ठीक है, हमारे पास में बैलेंस आ जाएगा 75,942 बैलेंस सीडी की तरह आ रहा है सर, डेबिट साइड पे आ रहा है।
अब इससे क्या पता लगता है ये हमारा क्या है? सर ये हमारा ओवरड्राफ्ट है ना, क्योंकि सर कैश बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट साइड पे फेवरेबल, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग होती है। तो क्रेडिट साइड अगर लिखा हुआ है और डेबिट साइड पे क्लोजिंग हो रही है तो ये क्या अनफेवरेबल है, यानी कि ओवरड्राफ्ट का केस है। तो यही बैलेंस को हम लेकर के चले कहां पे, आगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा बैलेंस था कितना 8062, उसके अंदर हमने ये सारे के सारे चेंजेस किए जो हमने यहाँ देखे हैं, ठीक है जी, जिसके लिए हमने ये कैश बुक बनाई थी, ये जो नीचे बनाई थी, ये सारे चेंजेस किए। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, 75942। जैसा कि अनामिका जी पूछ रही थी कि इसका मतलब इन सारी गलतियों का अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में तो सिर्फ वो वाली गलतियां आएंगी जो कि बैंक से रिलेटेड थी। तो इसी बैलेंस को आगे लेकर के चलेंगे 75942 में, जैसा कि मैंने बताया था उसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट। आप चाहे अगर चाहे तो इस हिसाब से ना करें, इसको आप प्लस और माइनस कॉलम के हिसाब से करें। और ये वाला बैलेंस कहाँ पे आएगा, माइनस कॉलम में आएगा, माइनस कॉलम में आएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास फाइनल फिगर कितनी आ जाएगी सब कुछ करने के बाद, 159058, जो भी हमने अभी क्या नाम है ऊपर चेंजेस देखे थे, एक चेंज मैंने आपको बताया है। तो ये जो है हमारे पास में इस तरीके से बनाई जाती है और इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा